अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? बम्बाट हैं? वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो दोस्तों, ये जो छोटे चिक्स हैं हमारे मिस्री चिक्स, इनको हमने जो है खुले फिरने के लिए खुली आज़ादी दी हुई है। उनको हमने थोड़ा अंदर बंद किया हुआ है ताकि थोड़ी देर ये जो है चल फिर लें। और अब हम जो है इनको भी खोल लेते हैं क्योंकि हमने वीडियो बनानी है, तो इनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और आ जाओ भाई, सारे बाहर आओ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुर्गों की रेशा का इलाज बताएं। मुझे एक कमेंट आया कल वीडियो में कि भाई मुर्गियों की रेशा का देसी इलाज बताएं। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे भी सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, तो इस पे वीडियोस बहुत ही महदूद पड़ी हैं देसी इलाज पे। वैसे आपको जो है मेडिसिन का इलाज काफ़ी मिल जाएगा, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप वो सुन सकते हैं। लेकिन जो देसी इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा महदूद है इस बीमारी का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुर्गियों की रेशा का देसी इलाज। इसके अलावा ये इनके बुखार के लिए भी काफ़ी मुफीद होगा, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी काफ़ी मुफीद होगा, और बाज़ का गले का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से मुर्गियां मुंह खोल के सांस लेना स्टार्ट कर देती हैं और रेशा हो जाता है। फिर उसके अलावा दीगर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं हमारे परिंदे। उन सब बीमारियों से बचने के लिए आज हम आपको देसी नुस्खा बताने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। और अगर कोई और आपने बीमारी का इलाज पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तो अब जो है आपको सबसे पहले मैं चीज़ें दिखाता हूं कि इस देसी नुस्खे को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। तो फिर उसके बाद जो है हम ये नुस्खा बनाएँगे और उसके बाद हम अपने एक मुर्गे को दे के मैं आपको बताऊँगा कि इसकी खुराक आपने अपने मुर्गों को कैसे देनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी चीज़ें बताता हूँ कि इस नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों, जो हमें इस नुस्खे के लिए चीज़ें चाहिए उसमें जो है देसी लहसुन है सबसे पहले आ जाता। ये आप देख सकते हैं इसकी रंगत, लाल 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 रंगत होती है इसकी। आप दूसरा फार्मी भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन देसी का ज़रा ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है अजवाइन। अजवाइन हमने ले लेनी है एक चम्मच। और उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है गुड़। तो हमें इसके लिए गुड़ चाहिए होगा। और चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाती है हल्दी, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, इनके लिए बहुत मुफीद है। और पांचवें नंबर पर हमारे पास आ जाता है गंदम का आटा। ये हमें क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए कि हमने इसकी गोलियां बनानी हैं, गोलियां बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए चलते हैं अब किचन में। किचन में जाके ये नुस्खा बनाते हैं, नुस्खा बना के वापस अपनी मुर्गियों के पास आएँगे और ये नुस्खा इन अपनी मुर्गियों को देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम किचन में आ गए हैं और किचन और हमने ये इसको पीसने के लिए, इसको तैयार करने के लिए सारा सामान अपने पास रख लिया है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे वो है अजवाइन, ठीक है दोस्तों, एक चम्मच काफ़ी है। मैं आपको एक दो मुर्गों की खुराक बना कर दिखा रहा हूँ। और जो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आएगी वो होगा लहसुन। लहसुन के आपने चार से पाँच पीस लेने हैं। अगर आप फार्मी लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तीन पीस लेंगे उसके, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको रगड़ लेते हैं थोड़ा सा, इसको पीस लेते हैं, उसके बाद जो है हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। लहसुन और अजवाइन का हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं गुड़, और उसके बाद हम गुड़ के बाद ऐड करेंगे इसमें हल्दी। तो सबसे पहले हम गुड़ को इसके अंदर जो है पीस लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसमें ऐड कर लिया है हल्दी, और हल्दी को अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हमारी लास्ट चीज़ है, अब हम उसको फिर लास्ट चीज़ को भी इसमें ऐड करेंगे और हमारा जो है हमारी जो देसी दवाई है वो तैयार हो जाएगी। इन सब चीज़ों को हमने एक अलग कटोरी के अंदर निकाल लिया, और हमारी लास्ट चीज़ इसमें ऐड करने वाली रह गई है वो है गंदम का आटा, वो उसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम इसकी गोलियां बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने गोलियां इसकी बना ली हैं, गोलियां तैयार कर ली हैं अब इस नुस्खे की, देसी नुस्खे की। तो आप जो है हम एक मुर्गा पकड़ते हैं, मुर्गा पकड़ के तो हम जो है उसको ये नुस्खा देते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मुर्गे को कैसे खिलाना है। आपको पकड़ के बाकायदा पूरा तौर पर दिखाएँगे ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। तो मुर्गा मैंने एक पकड़ लिया है और अब जो है हम इसका मुंह खोलेंगे और मुंह खोल के एक गोली इसको खिला के तो आपको दिखाते हैं। तो आपने आराम से जो है इसका मुंह पकड़ लेना है
मुंह को खोल लेना आपने, इसके इसके साथ कोई लड़ाई वगैरह नहीं करनी है आपने, कि जैसे आप जंग कर रहे हो इसके साथ, बस आराम से गोली को इस तरह आपने थोड़ा लंबाई की शेप में बना लेना है, ताकि जो है इजीली मुर्गे के गले से उतर सके वो दवाई, और आपने आराम से जो है अपने मुर्गे को खिला देनी है। लो जी, ये मुर्गे ने आसानी के साथ खा लिया, आप देख सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं की इसके साथ, कोई ज़बरदस्ती नहीं की इसके साथ। अब वैसे इस मुर्गे को कोई मसला नहीं है, ये एक भाई की फरमाइश पे जो है वीडियो बनाई गई है, और अगर इसको कोई मसला होगा भी थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चाहे नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो, और ख़ास तौर पर रेशा हो, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। और ये जो कुछ जो गोलियाँ बच गई हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये गोलियाँ जो है हम अपने बाकी बर्ड्स को खिला देंगे, मुर्गियाँ ब्रीडर मुर्गियाँ हम उनको खिला देंगे। तो अब जो है आपको ये हो गया देसी इलाज, जो कि मैंने डिमांड पे बनाया है। अब आपको बताऊंगा दूसरा, अगर आप मेडिसिन के ज़रिए इलाज करना चाहते हैं तो आप इनको सेप्ट्रान की गोली दे सकते हैं, ठीक है। अगर रेशा वगैरह हो तो आप इनको जो है सेप्ट्रान की गोली दे सकते हैं। वो कैसे देनी है आपने, आपने इनको डायरेक्ट नहीं देनी, आपने इनको उसका पाउडर बना लेना है, और पाउडर बना के जैसे मैंने ये गोली दी है वैसे ही इनका मुँह खोलना है, और मुँह के अंदर वो पाउडर दे देना है, और आपने उसका मुँह बंद कर देना है। तो दोस्तों, तो ये था आज का हमारा फार्मूला जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और आप जो है ये अपने बीमार मुर्गों को जिनको नज़ला ज़ुकाम और रेशा है, आप उनको ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर किसी मुर्गी को बुखार हो गया है, नज़ला हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, तो आप उसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे का वज़न कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जो है मुर्गी के अंडे की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और आपको इसी तरह हर बीमारी का देसी इलाज भी बताया जाएगा, और आपको मेडिसिन से भी उसका इलाज बताया जाएगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास फैंसी चिक्स हैं बैंटम, और इनका जो है इनके बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। और ब्रायलर्स के बारे में, ये हमारे पास ब्रायलर भी हैं, तजर्बे के लिए रखे थे, सिर्फ एक भाई की डिमांड पर रखे गए हैं कि इनकी केयर कैसे करनी है। तो जैसे जो है मैंने इन पर डिटेल से वीडियो भी बनाई हुई हैं, और उसके अलावा दोबारा भी इन पर डिटेल से वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे जैसे जो है इनकी ग्रोथ होगी। और पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, पहले हफ्ते की मुकम्मल डिटेल इनकी दे दी गई है, दूसरे हफ्ते की डिटेल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। और इसके अलावा जो बाकी मुर्गियां हैं, और इनके लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई हैं, और ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं पहले, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि आप इसका देसी इलाज बताएं। मैंने खुद भी यूट्यूब पे सर्च करके देखा, लेकिन क्या नाम है उस पर डिटेल से दूसरी मेडिसिन वाला इलाज पड़ा हुआ था, देसी इलाज नहीं पड़ा हुआ था। तो भाई का बहुत अच्छा सवाल था, और इसका जो है इंशाल्लाह ताला हमने आपको बिल्कुल अच्छा फार्मूला बता दिया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल सामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में।